बिसमीम अलकुम डियर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ चैप्टर नंबर थ्री इसके लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करा रहे थे आज इस सिलसिले का सेकेंड लेक्चर है हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर थ्री एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री से स्टार्ट लिया उसमें टॉपिक क्यूब रूट्स ऑफ माइनस एट उसको परफॉर्म किया आइए इसी इसी क्वेश्चन नंबर वन से रिलेटेड फर्दर क्वेश्चन हम करते हैं हमारे पास अब इसी क्वेश्चन नंबर वन जो है एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री का ये थ्री पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर वन उसका सेकंड पार्ट है कहा जा रहा है क्या मालूम करना है आपको क्यूब रूट्स क्यूब रूट्स मालूम करने हैं ऑफ 27, 27 के क्यूब रूट मालूम करने है. 27 के क्यूब रूट मालूम करने हैं 27 के थ्री रिजल्ट मालूम करने हैं तो 27 को एक्स क्यूब सपोज कर लिया जाए इससे पहले माइनस एट के क्यूब रूट मालूम करने थे तो माइनस एट को आपने जो है एक्स क्यूब ले लिया 27 के के रूट मालूम करने हैं तो 27 को एक्स क्यूब ले लेंगे इस 27 को यहां शिफ्ट कर दिया बेटा इसको हम x का होल क्यूब 27 को 3 का होल क्यूब इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं अब ये बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला दो ब्रैकेट बनेंगे पहले ब्रैकेट में क्यूब को हटा दें इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस है तो प्लस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन लाजमी प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन जब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हों उनका प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर हो आयदर एक्स एक्स की वैल्यू थ्री के बराबर हासिल हो जाएगी सही एक एक्स की वैल्यू आ गई अब बाकी फर्स्ट एक्सप्रेशन को ज़ीरो ले लिया बट आप सेकंड एक्सप्रेशन को जीरो ले लेंगे जब कभी हम क्यूब वाले फार्मूले से कॉडेडिक इक्वेशन बनाते हैं तो उसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कीजिएगा यहां हम अप्लाई कर दें कॉडेडिक फार्मूला याद है क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा इसकी हमने प्रैक्टिस कराई थी लास्ट टाइम इसका फार्मूला है एक्स इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए यहाँ आपने मेंशन करना है ए बी सी ए के माने एक्स स्क्वायर का कोफ़िशन वन बी के माने थ्री कांस्टेंट नंबर नाइन तो ये एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस बी स्क्वायर का मतलब थ्री का स्क्वायर माइनस फोर ए सी वन और नाइन डिवाइडेड बाय टू ए तो एक्स आपको मिल जाएगा माइनस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ नाइन माइनस फोर नाइन जार थर्टी सिक्स अपॉन टू आ जाएगा माइनस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन टू पढ़ा जाएगा तो बेटा एक्स की वैल्यू माइनस थ्री प्लस माइनस ये ट्वेंटी सेवन आयोटा आयोटा बाहर रखेंगे आपको याद होना चाहिए अंडर रूट के अंदर अगर माइनस साइन आ जाए उस माइनस साइन को इग्नोर कर दें तो ट्वेंटी सेवन बचा वो माइनस साइन आयोटा बनकर बाहर आ जाएगा इस ट्वेंटी सेवन के लिए थ्री नाइन ज़ा ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री, थ्री ज़ा नाइन थ्री वनजा थ्री तो मैं क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री आयोटा अपॉन टू एक्स माइनस थ्री थ्री बाहर आ जाएगा रूट थ्री आयोटा अपॉन टू तो ये इसमें थ्री कॉमन ले सकते हैं कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा कैंसिल नहीं होगा सो so, हम अपने क्वेश्चन को समराइज करें क्या मालूम करना था आपको 27 के क्यूब रूट मालूम करने थे एक रूट क्या मिला आपको थ्री के बराबर हासिल हो गया और बाकी दो रूट यह हासिल हो गए सो ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 27 सेवन और के क्यूब रूट एक तो थ्री रहा माइनस थ्री प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू आ गया माइनस थ्री माइनस थ्री रूट थ्री आयोटा अपॉन टू के बराबर आया ये ट्वेंटी सेवन के तीन रूट हासिल हो गए आई होप ये क्लियर है इसके बाद देखे बेटा अब हमें सीखना है इसका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है बेटा उसका थर्ड पार्ट और उसका फोर्थ पार्ट उसे आप ट्राई कीजिएगा आपसे ना हो तो मुझे इस नंबर पर रिक्वेस्ट सेंड करें तो मैं इंशाल्लाह शाला उसका व्हाट्सएप सोल्यूशन आपको सेंड कर दूँगा आए बेटा यहाँ पर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये एक टॉपिक है ये इस टॉपिक को याद रखना है इसकी डेरिवेशन पूछी जाती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करेंगे बच्चों देखो यहाँ पर यूनिटी के माने वन कायद अजम को पढ़ रहे हो तो यूनिटी के माने मान होंगे। मैथमेटिक्स में यूनिटी के माने वन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मकसद वन के क्यूब रूट मालूम करने तो वन के तीन रूट मालूम करने हैं तो वन को हम सपोज कर लें एक्स क्यूब के बराबर ठीक है ये शिफ्ट हो जाएगा एक्स क्यू माइनस वन इक्वल टू जीरो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ एक्स का क्यू माइनस वन ब्रैकेट को ऑफ कर दें पहला ब्रैकेट एक्स माइनस वन आगे एक्स स्क्वायर माइनस है तो प्लस इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन लाजमी प्लस वन का स्क्वायर वन इक्वल टू जीरो टू टर्म मल्टीप्लाई हो रही है इनका प्रोडक्ट जीरो के बराबर है आइदर पहले ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया वन आ गया बेटा दूसरे ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमने आपको बताया जब भी क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई होगा जिसके नतीजे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हो बेटा उसको सॉल्व करते हुए आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है याद है क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइडेड बाई टू ए यहाँ हम सब टी कर देंगे ए बी सी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन एक्स का कोफिशंट वन कांस्टेंट वन आ जाएगा तो एक्स इक्वल आएगा माइनस बी की जगह वन वन का स्क्वायर ए मीन्स वन सी मीन्स वन डिवाइडेड बाय टू ए की जगह वन लिख देंगे आप वन का स्क्वायर वन फोर वन ऑफ फोर अपॉन टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री अपॉन टू एक्स की वैल्यू माइनस वन माइनस साइन खत्म कर दें तो थ्री आयोटा अपॉन टू अब ये हमारे पास रिजल्ट आ गया सो so, हम समराइज क्या करें सो ऑल क्यूब रूट्स किसके क्यूब रूट मालूम करें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो यूनिटी के क्यूब रूट ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी वन आर कौन कौन से मिल गए एक तो ये वन के बराबर हुआ एक वन के, के बराबर हासिल हुआ माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा पॉइंट टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा पॉइंट टू ये क्यूब रूट ऑफ माइनस वन हम अपनी सहूलत के लिए ये जो माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू है इसको सपोज कर लेते हैं ओमेगा क्या सपोज करते हैं ओमेगा और सेकंड वन स्क्वायरिंग करने के बाद ओमेगा स्क्वायर जो प्लस साइन है इसको ओमेगा ले लेते हैं और माइनस साइन को ओमेगा सो अब क्या बनेंगे all cube roots चूँकि बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं बार बार माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा पॉन्ट टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा पॉन्ट टू लिखना मुश्किल होता है तो हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पहला क्या आ गया वन इसको मैंने सपोज़ किया है ओमेगा इसको सपोज़ किया है ओमेगा स्क्वायर तो अब कोई पूछे आपसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होंगे तो आप क्या कहेंगे वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लेकिन ये भी याद रहे ओमेगा की वैल्यू माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा पॉउ टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपाउंट टू के बराबर है आई होप ये क्लियर है अब इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज फेमस हैं इन प्रॉपर्टीज को आपने याद रखना है इन प्रॉपर्टीज की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व किए जाएंगे प्रॉपर्टी नंबर वन सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज इक्वल टू वन ऑलवेज इक्वल टू वन इस बात को मैथमेटिकली लिखेंगे वन ऑल क्यूब ऑफ यूनिटी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर उनका क्या लेना है सम इनका सम हमेशा जीरो के बराबर होगा ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तीनों रूट को ऐड कर दें तो जवाब जीरो के बराबर होगा प्रॉपर्टी नंबर टू ओमेगा का क्यूब हमेशा वन के बराबर होता है ओमेगा का क्यूब हमेशा वन के बराबर है आप चाहें तो इस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके प्रूव कर सकते हैं ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनकी मदद से हम कुछ क्वेश्चन भी करते हैं और उसके पार्ट्स भी किए जाते हैं ठीक इन क्वेश्चन को पढ़ने से पहले क्लास टेन की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी ए रेस टू पावर एम इसकी पावर एन बेटा बताओ पावर के पावर हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है है ना पावर के पावर मल्टीप्लाई हो जाता है कहीं अगर ए एम ए एन दो बेसिस टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं क्या तरीका है ए को एक मरतबा लिखेंगे पावर को ऐड कर लिया जाएगा ए रेस टू पावर एम एन पावर क्यों पावर हो तो मल्टीप्लाई कर देना बेसिस सेम मल्टीप्लाई हो एक मरतबा लिख कर पावर ऐड कर देना रिवर्स भी कर सकते हैं ए की पावर एम प्लस वन इसको ए एम ए एन लिख सकते हैं और स्टूडेंट से हम कहते हैं थ्री का टेबल आप याद रखें एक जानब थ्री का टेबल लिखें थ्री वन ज थ्री थ्री टू जा सिक्स थ्री थ्री जो नाइन थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व थ्री फाइव फिफ्टीन थ्री सिक्स ज़ा एटीन थ्री सेवन जो ट्वेंटी वन थ्री एट ज़ा ट्वेंटी फोर थ्री नाइन जो ट्वेंटी सेवन थ्री टाइन थर्टी थ्री थर्टी थ्री थ्री ट्वेल्व थर्टी सिक्स तो ये थ्री का टेबल अगर याद हो तो काम हमारा आसान होता है आइए बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर टू के बहुत सारे पार्ट्स हैं तो इन तमाम पार्ट्स में इन दो प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे कौन सी दो प्रॉपर्टी वन प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जीरो के इक्वल होता है और ओमेगा क्यूब वन के बराबर है इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से चंद पार्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर टू का फिफ्थ पार्ट कहा गया वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर एटीन वन के बराबर है इसे प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ले लें लेफ्ट हैंड साइड में या आ जाएगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 18 ठीक है ये जो वन प्लस ओमेगा है विद इन ब्रैकेट हम जानते हैं तीन फ्रेंड हैं वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इनका सम जीरो होता है दो फ्रेंड रह गए वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकीन ये ओमेगा यहाँ से शिफ्ट हो गया माइनस ओमेगा तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये प्रॉपर्टी के तहत माइनस ओमेगा ये वाली पावर एटीन अपनी जगह रही बात समझ में आ रही है टोटल थ्री फ्रेंड्स हैं वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दो फ्रेंड हम मौजूद हैं तो तीसरा वहाँ चला गया तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा लिख देंगे बेटा एटीन हम पावर है, ये एटीन इवन पावर है या ऑड पावर है यकीनन इवन पावर है मैं ये कहता हूँ ई पावर की दहशत होती है माइनस साइन गायब हो जाएगा ओमेगा की पावर एटीन हो जाएगी ठीक है अब हम जानते हैं ओमेगा की मैक्सिमम पावर वो क्यूब होती है जिसकी वैल्यू वन ये क्यूब तो नहीं है अब सोचें क्या ये एटीन थ्री के टेबल में आता है बिल्कुल आता है थ्री सिक्स ज एटीन तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा थ्री इसकी पावर क्या है? ले लूँ सिक्स पावर के पावर मल्टीप्लाई करूंगा एटीन आ जाएगा बट ओमेगा क्यूब वन के बराबर है तो यहां वन रिप्लेस कर दें इसकी पावर सिक्स वन की पावर कुछ भी हो वन आ जाएगा बेटा यही इसकी राइट हैंड साइड है है ना प्रूफ क्या करना था वन के बराबर तो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं इन पार्ट्स की आप प्रैक्टिस करेंगे इन दो प्रॉपर्टी के तहत क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के तहत अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू उसका थर्ड पार्ट बेटा कहा जा रहा है वन माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर फाइव इक्वल है थर्टी टू इसे हम प्रूफ करते हैं प्रूफ करने के लिए कोई एक साइड सेलेक्ट कर ली जाए लेफ्ट हैंड साइड ले लें लेफ्ट हैंड साइड में वन माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा इसकी पावर फाइव ये रिजल्ट लिखा हुआ है हमने आपको प्रॉपर्टी बताई है उसमें इन तीनों का सम जो है वो ज़ीरो के बराबर है तीनों एडिशन फॉर्म में होनी चाहिए ये तीनों एडिशन फॉर्म में नहीं है वन को तो बेटा ऐसे रहने दें इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर फाइव अब इस ब्रैकेट में हम देखें तीन फ्रेंड होते हैं वन प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर उनका सम ज़ीरो के बराबर होता है यहाँ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो वन यहाँ से मूव करके इधर जाएगा तो माइनस वन आ जाएगा तो सिचुएशन क्या होगी ये तो वन आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस वन लिख देंगे ये पावर फाइव रही बताइए वन माइनस माइनस प्लस का वन इसकी पावर फाइव आ गई ठीक है वन प्लस वन टू हो गया टू की पावर फाइव अब बच्चे गड़बड़ कर दें, वो कहते हैं टू की पावर फाइव टेन होता है ऐसा नहीं है टू की पावर फाइव का मतलब है टू को पांच मरतबा लिखा जाए वन टू थ्री फोर फाइव मल्टीप्लाई कर दें टू टू ज़ा फोर फोर टू ज़ा एट सिक्सटीन और थर्टी टू तो बच्चों यहाँ पे थर्टी टू आएगा और अब हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के ठीक है और देखो इसके पार्ट्स ये क्वेश्चन नंबर टू का हमारे पास सेकंड पार्ट है इसमें प्रूफ करना है प्रूफ करने के लिए हम एक साइड सेलेक्ट कर लें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम ये लेफ्ट हैंड साइड में ओमेगा की पावर थर्टी टू ओमेगा की पावर थर्टी सेवन अब ये ओमेगा की हैवी पावर आ रही है ओमेगा की माइटी पावर आ रही है ओमेगा थर्टी टू हम ओमेगा क्यूब तक जानते हैं ओमेगा क्यूब से बढ़ जाए तो हम थ्री का टेबल पढ़ते हैं, क्या थ्री के टेबल में थर्टी टू आता है नहीं थोड़ा पीछे आ जाए थर्टी आता है तो इसको स्प्लिट कर दें ओमेगा थर्टी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा टू बेसिस सेम है पावर एड होकर थर्टी टू आ जाएगा थर्टी सेवन से मुतल क्या ख्याल है क्या ये थ्री के टेबल में आता है नहीं थोड़ा पीछे आ जाए थर्टी सिक्स आता है थर्टी सिक्स मल्टीप्लाइड बाई उमेगा की पावर वन थर्टी थ्री के टेबल में आता है कैसे आता है ओमेगा क्यूब इसकी पावर टेन साथ में ओमेगा स्क्वायर थर्टी सिक्स में कैसे लिखेंगे ओमेगा क्यूब ट और ये ओमेगा अब इस ओमेगा क्यूब को हम अच्छी तरह जान गए कितना होता है वन तो बेटा ये वन आएगा ओमेगा स्क्वायर ये वन आएगा ओमेगा वन की पावर कुछ भी हो वन आएगा ओमेगा स्क्वायर वन की पावर कुछ भी हो वन ओमेगा ठीक है ओमेगा स्क्वायर वन से मल्टीप्लाई हुआ ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा गया अब अगेन हम तीन फ्रेंड की बात करें इनका सम ज़ीरो होता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये माइनस वन हो जाएगा ये माइनस वन आ गया यही इसकी राइट हैंड साइड आ गई तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए आई होप ये क्लियर है इसके बाद देखो बेटा एक आसान सा सवाल है क्वेश्चन नंबर टू का सेवन पार्ट है इसे प्रूफ करना है सेवन प्लस ओमेगा सेवन प्लस ओमेगा स्क्वायर तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें लेफ्ट हैंड साइड पर सेवन प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है सेवन प्लस ओमेगा स्क्वायर अब आप ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन कर दें क्या मतलब सेवन इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा फोर्टी नाइन प्लस सेवन ओमेगा स्क्वायर अब ओमेगा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा सेवन ओमेगा ओमेगा क्यूब आ जाएगा ओमेगा क्यूब को हम जानते हैं इसकी बड़ी मासूम सी वैल्यू होती है वन तो बेटा ये फोर्टी नाइन आ गया इधर हम कॉमन ले लेंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन आ गई ये जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है क्या मिस से यहाँ पर वन तो इसका जवाब क्या आएगा शाबाश माइनस वन कैसे वन प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जीरो के बराबर है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस वन हो गया तो बेटा यहाँ लिखेंगे फोर्टी नाइन सेवन मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन प्लस ऑफ वन ये फोर्टी नाइन ऑफ वन फिफ्टी हो गया सेवन वनजा सेवन रिजल्ट मिला फोर्टी थ्री तो ये लेफ्ट हैंड साइड और बराबर आ गई किसके राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई यही बात हमें प्रूव करनी थी आई होप ये क्लियर है बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड और फर्दर क्वेश्चन इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में अपलोड करेंगे तब तक आप इन दोनों वीडियोस को अच्छी तरह देखें एक से दो मरतबा देखें प्रैक्टिस करें और इस पर कमांड हासिल करें थैंक यू